Dear students of class 10th, Assalamualaikum. Today we are going to learn one more chapter that is metals and non metals. Dear students, you all know that there are almost 118 chemical elements known. दीज एलिमेंट्स आर हैविंग सिमिलरिटीज़ एज वेल एज डिफरेंस इन दियर प्रॉपर्टीज़ आदर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पहले बच्चों आपको मालूम है कि आज तक लगभग एक सौ अट्ठारह जो एलिमेंट्स हैं वो पाए गए हैं डिस्कवर हुए हैं उनमें क्या है कुछ डिफ्रेंसिस भी हैं और कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं यानी ये किसी तरह से एक दूसरे से आ, एक जैसे हैं और किसी तरह से एक दूसरे से मुख्तफ भी हैं सो ऑन द बेस ऑफ दियर प्रॉपर्टीज़ उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ख़ासियतें हैं चाहे फ़िज़िकल प्रॉपर्टी हो या केमिकल प्रॉपर्टी हो दीज एलिमेंट्स जो हैं ये जो एलिमेंट्स हैं उनको दो ग्रुप्स में तकसीम किया गया है नंबर वन मेटल्स एंड नंबर टू नॉन मेटल्स जो मेटल्स हैं या जो नॉन मेटल्स हैं दोनों हमारे जिसम में बहुत कारमद मुफीद हैं हम क्या करते हैं हम बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं मेटल कंपाउंड्स या नॉन मेटल कंपाउंड जो हैं हम अपने इस्तेमाल में लाते हैं क्योंकि हम पहले मेटल्स या और नॉन मेटल्स को जानने की कोशिश करेंगे हमें कुछ डेफिनेशनस हैं जो बहुत ज़रूरी सीखनी हैं जिनकी बदौलत हमें ये समझ आ जाएगा कि जो मेटल्स हैं ये किस तरह के हैं और जो नॉन मेटल्स हैं ये किस तरह के हैं उनमें पहली जो डेफिनेशन है वो है मेलिएबल मेलिएबल का मतलब क्या है अगर हम किसी चीज़ को किसी हैमर हथौड़े से मारते हैं तो अगर इसको कोई शीट जैसा बनेगा इसको बोलते हैं इट इज मेलिएबल दैट इज इट कैन बी बीटन इनटू शीट्स नंबर टू वन मोर टर्म दैट इज डकटाइल इसका मतलब यह है अगर हम किसी चीज को खींचने की कोशिश करेंगे खींचने की कोशिश करेंगे तो उसको एक लंबी तार जैसी बनेगी दैट इज़ इट कैन बी ड्रॉन इंटू वायर्स दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज टकटाइल एंड नंबर थ्री जो तीसरी जो अतलाह है टर्म है वो है ब्रिटल इसका मतलब ये है अगर हम किसी चीज को आ, मारने की कोशिश करेंगे किसी हथौड़े से मारेंगे कुछ उसको क्या हो जाएगा वो तो वो न तो आ, शीट में तब्दील होगा और न उसमें कोई वायर बनने की चांस है अलबत् वो ब्रेक हो जाएगी एकदम दिस इज नोन एज द डटाइल this is known as brittle sorry that is it breaks into pieces on hammering or stretching terms malleable which can be which can be beaten into sheets ductile which can be drawn into wires and brittle which breaks into pieces these terms, if we keep in our mind, we try to understand the metals and the non metals. So, dear students, firstly, we will try to know metals. So, the elements that conduct heat and electricity and are malleable and ductile are called metals. Those elements जिनके जरिए बिजली चलेगी या जिनके अंदर से हीट गुज़रेगी अगर हम एक सिरे से किसी तार को हीट अप करेंगे तो वो आस्ता आस्ता से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है या जो कोई चीज़ मैलिएबल हो जिसको हम शीट में तब्दील करते हैं या डक्टाइल जिसको हम किसी लंबी तार में बना देंगे जो जिन चीज़ों में जिन एलिमेंट्स में इस जैसी खासियत हो उनको हम मेटल्स बोलते हैं इसके अलावा जो मेटल्स हैं वो लस्चरस हैं लस्चरस का मतलब वो शाइनी है वो चमकते हैं और हार्ड होते हैं बहुत सख्त होते हैं स्ट्रॉन्ग हैवी भारी भी होते हैं वजन में और सोनोरस भी होते हैं सोनोरस का मतलब यह है कि वो अगर हम किसी चीज से उनको मारेंगे तो वो एक रिंगिंग साउंड जैसी पैदा करेंगे सो so, सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स कुछ अगर हम मेटल्स की आपको मिसाल दे, दे देंगे वो इस तरह है आयरन एलमिनियम कॉपर, सिल्वर, गोल्ड प्लेटिनम जिंक टिन लेड मर्करी सोडियम पोटेशियम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। दीज एलिमेंट्स आर मेटल्स दे आर हैविंग द प्रॉपर्टीज लाइक गुड कंडक्टर ऑफ एलक्ट्रिस गुड कंडक्टर ऑफ हीट मैलिएबल डकटाइल सोनोरस लस् स्ट्रोंग हैवी एट्सट्रा ए मेजोरिटी ऑफ द नून एलिमेंट्स और मेटल्स जो हमने अब तक एलिमेंट्स देखे हैं उनमें ज्यादातर क्या हैं मेटल्स हैं जो मेटल्स हैं लगभग सारे के सारे सॉलिड्स हैं बहुत ठोस शक्ल में हैं लेकिन जो उनमें एक है उसको मरकरी बोलते हैं इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करेंगे तो रूम टेम्परेचर में वो लिक्विड फॉर्म में मौजूद होती है मर्करी इट शुड बी कैप्ट इन माइंड ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स एक्सेप्ट मर्करी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर अगर हम देखेंगे जो मेटल्स हैं जब यह रिएक्शन करते हैं एक दूसरे से दे क्या करते हैं वो क्या करते हैं दे फॉर्म पॉजिटिव आयॉन्स ये पॉजिटिव आयन्स जिनको हम कैट आइनज भी बोलते हैं बनाते हैं क्यों बनाते हैं बाई लूजिंग एलेक्ट्रॉन्स इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनको लूज करते हैं वो उनको छोड़ देते हैं बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन जब हम ये देखते हैं कि जो ये मेटल्स हैं ये अपने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं हम क्या बोल सकते हैं हम ये भी कह सकते हैं मेटल्स और द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन विच फार्म पॉजिटिव आयॉन्स बाई लूजिंग एलेक्ट्रॉन्स और डोनेटिंग एलेक्ट्रॉन्स जो मेटल्स हैं वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पॉजिटिव आयन्स बनाते हैं केमिकल रिएक्शन के वक्त क्यों बनाते हैं बाई लूजिंग एलेक्ट्रॉन्स और डोनेटिंग एलेक्ट्रॉन्स टू समर एलिमेंट मिसाल के तौर पर एलमिनियम मेटल एक है

बिकॉज दे फॉर्म पॉजिटिव आयोन्स बाई लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि ये पॉजिटिव आयोज या कैट आइन्स बनाते हैं बाई लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से मेटल्स हमारी जो डेली लाइफ है उसमें बहुत काम के लिए इस्तेमाल होते हैं मिसाल के तौर पर जो कुकिंग वेसल्स होते हैं वो मेटल्स के बने होते हैं इलेक्ट्रिक फैन जो होते हैं वो मेटल्स के बने होते हैं सिविंग मशीन कार बस ट्रक ट्रेन शिप एरोप्लेन एंड मैनी मोर दे आर ऑल मेड ऑफ मेटल्स और मिक्सचर ऑफ मेटल्स या दो या दो से ज्यादा मेटल्स एक दूसरे के साथ हम मिलाते हैं और बनाते हैं अगर हम ये देखते हैं कि दो मेटल्स या दो से ज्यादा मेटल्स बन जाते हैं उनको एक अलग टर्म दी जाती है जिसको हम एलाय बोलते हैं एलाय इज ए मिक्सचर ऑफ मेटल्स दरअसल बात क्या है जो लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स हैं जो हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द अगर हम देखते हैं कि उनको हम एक लिस्ट में बना देंगे कि ये कौन कौन मेटल्स के बने होते हैं हमारा लिस्ट बनता ही रहेगा इसका मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मेटल्स की बनी हुई हैं मेटल्स का ये भी एक अहम रोल है कि जो नेशनल इकोनॉमी ऑफ एवरी कंट्री हर किसी मुल्क की जो इकोनॉमी है उसमें यह एक अहम रोल अदा करते हैं यानी इकॉनमी का उन पर बहुत दारदार है अगर हम ज़मीन की बात करेंगे ज़मीन में सो मेटल्स हम निकालते हैं द मोस्ट एबेंडेंट मेटल इन द अर्थ इज़ एल्यूमिनियम जब हम देखते हैं कि जमीन में अगर हम मेटल्स हासिल करते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा किसकी परसेंटेज है जो हम हासिल करते हैं वो है एलमिनियम दिस एलोनीयम कन्स्ट्यूट अबाउट सेवन परसेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट जो ज़मीन की तह है ऊपरी तह जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं उसका सात परसेंट क्या है वो एलमिनियम है उसके बाद एक और मेटल है जिसको हम आयरन बोलते हैं लोहा उसकी परसेंटेज अगर हम जमीन की ऊपरी ताह जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं उसमें इसकी परसेंटेज वो चार परसेंट है और अगर हम एक लिस्ट बना देंगे थोड़ी बहुत कि ज़मीन में से जो हम मेटल्स हासिल करते हैं उनकी जो परसेंटेज है उनको हम एक डिक्रीजिंग ऑर्डर के तौर पर बना देंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एवेंडेंस दे आर नंबर वन क्योंकि मैंने आपको बताया वो एल्युमिनियम है उसके बाद आयरन आता है उसके बाद कैल्शियम आता है उसके बाद सोडियम आता है उसके बाद पोटेशियम आता है और उसके बाद मैग्नीशियम आता है दिस इज सफिशंट फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स एंड होप यू हैव गॉट सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मेटल्स मोस्टली इन दिस लेसन थैंक्स